आप बड़े मंत्री साहब के ऐसे बयानों का समर्थन कैसे कर सकते हैं जिस बयान में साफ तौर पर किसी एक धर्म को सुपीरियर बताने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है आपके लिए आपका धर्म सुपीरियर हो तो मेरे लिए मेरा धर्म सुपीरियर है, समझ रहे हैं आप बात को। हो सकता है कि जो वहां पर जो लोग पहुंचे थे हजारों की संख्या में उनके लिए उनका धर्म सुपीरियर हो, जो संत पहुंचे थे उनके लिए उनका धर्म सबसे बड़ा हो। तो किसी एक धर्म को इस मंच पर बुलाकर सुपीरियर बताना, भड़काने की कोशिश नहीं तो क्या है? देखिए, एक ईश्वर की अवधारणा जो है सभी धर्मों में है, तो और जो है इकट्ठे अगर हो सकते हैं और एकता हो सकती है तो एक ईश्वर पे जो है एकता हो सकती है, करोड़ों और हजारों पे एकता नहीं हो सकती है। तो अगर कोई आदमी जो है अपने विचार के अनुसार अगर आदमी जो है, नहीं नहीं आप ये संविधान के उलट बात करेंगे आप, नहीं नहीं एकता एक ईश्वर से आएगी। संविधान ने जो है आपको ये कहा कि आप आप कह रहे एकता एक ही ईश्वर से आएगी और इससे एकता नहीं हो सकती, देश में एकता नहीं है मतलब। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं नहीं वो एक धार्मिक, वो जो संवैधानिक मामला है और जो वैचारिक मामला होता है, जो बहुत सारी चीजें है जो यहाँ के जो है संविधान ने सब धर्मों को जो है एक स्थान जो है दिया है, उसमें क्या दिक्कत है? अरे तो भाई सब अपना अपना धर्म मानेंगे ना, किसी के धर्म पे टिप्पणी थोड़ी करेंगे। कोई अपने धर्म को सुपीरियर, आप अपने धर्म को सुपीरियर कहते हैं, विनोद बंसल जी अपने धर्म को सुपीरियर बोलेंगे। ईश्वर की अवधारणा जो है सब में है और एक ही ईश्वर की जो है आराधना करना चाहिए, तो एक ही बात कर रहे हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। राजा राम मोहन राय ने यही बात की है, कबीर ने यही कही है, नानक ने यही कही है। ठीक है विनोद बंसल जी, उसके बाद अश्विनी जा रहा हूँ। विनोद बंसल जी, और 24 जो 26 आयत में बात क्या है? आप मेरा सवाल सबको कत्ल कर दो, आप मेरा सवाल युद्ध स्थिति में है मानी जी, उसके लिए जो है मानी जी ठीक है। आप मेरा सवाल बेशक समझ रहे होंगे लेकिन जवाब नहीं देना चाहते। विनोद बंसल जी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल जवाब दे, आप समझ ले रहे हैं? नहीं आप, मैं मेरा सवाल आप नहीं समझ रहे। विनोद बंसल जी नहीं, तो ये अपना ठीक है, अपना विचार कैसे मतलब कानून से ऊपर जाकर अपना विचार रखते हैं आप? आयात के बारे में, अरे भाई जो है सूतों के बारे में आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, किसने लिखा? स्वामी नित्यानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है कि नहीं लिखी? ठीक है तो विनोद बंसल जी जवाब दे रहे हैं। विनोद बंसल जी, उन्होंने अपना विचार जो है व्यक्त किया है, उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है। मौलाना चिल्ला क्यों रहे हो? ठीक है नुमान जी, विनोद बंसल जी एक सेकंड, विनोद बंसल जी बोलिए, धमका रहे हो क्या इस तरह से चिल्ला करके स्टूडियो में बैठ करके? आप क्या कहना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं कि सत्यार्थ प्रकाश में जिन आयतों की बात की है उनमें से किसी आयत के बारे में कोई क्लेरिफिकेशन आप दे सकते हैं क्या? और मुझे बताइए कि जिन 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में गया था, आप पूछिए ना, बीच में मत बोलिए। अगर आपको मत बोलता है तो पूछिए, मैं आपको यही जवाब दूंगा। विनोद बंसल जी चर्चा में, देखिए चर्चा में आप प्रश्न कीजिए, एक सेकंड नुमानी जी, नुमानी जी एक सेकंड, नुमानी जी नुमानी जी आपसे ज्यादा उचित होने मेरी रुक जाए, सुन लीजिए मेरी बात, में क्या कह रहा हूँ। विनोद बंसल जी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं डिबेट इस बात पे कर रहा हूं, कोई किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता है, सबको अपने धर्म को मानने की आजादी और उसको ऊपर रखने की आजादी है इस देश में। डिबेट इस बात को लेकर हो रही है, सवाल यह कि सद्भावना का मंच लगाकर किसी और धर्म के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया आपको? विनोद बंसल जी उसके बाद में आ रहा हूं नुमानी जी आपके पास। विवेक जी देखिए, मैं बड़े विवेकपूर्ण ढंग से मैं इनसे पूछना चाहता हूं। देखिए बात यह थी, जब सद्भावना के मंच पर दुर्भावना का अड्डा कौन किसने जमाया, एक बात। दूसरी बात ये कि जब बात इन्होंने छेड़ी है तो दूर तला तो जाएगी, जब बात 26 अदालतों की 26 आयतों की हुई है, जब बात 124 आयतों की हुई है जो इन्होंने स्वयं कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती का 200वें जन्मदिन पे तो कम से कम उनको क्लेरिफाई कर दो यार। आपके इंडिया टीवी के दर्शक जानना चाहते हैं 26 आयतों में ऐसा क्या हमने जवाब दिया है? दर्जनों किताबें जो सरकार प्रकाश से उत्तर में है, आपको पता नहीं है? उनके बारे में नहीं बोलेंगे आप? मौलाना सनाउल्लाह अमृतसर ने हक प्रकाश के नाम से जवाब दिया है, उन्होंने लिख के सवाल किया था, लिख के जवाब दे दिया गया। डिबेट को उसमें सर काटने की बात है, नहीं है हाईजेक करना चाहते, लेकिन आपके पास कोई शब्द का प्रमाण नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, ना कुछ बिल्कुल प्रमाण है। ठीक है बिल्कुल प्रमाण है, पूरा कर लेंगे तो आप फिर सुन लीजिएगा, अभी वो पूरा कर लेंगे फिर आप जवाब दे दीजिएगा। अश्विनी उपाध्याय बहुत देर से वेट कर रहे हैं।
अश्विनी उपाध्याय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे मेरे, पहले वो 26,000 तो बोले विवेक जी, ठीक है बदलेंगे, एक सेकंड विनोद जी, एक सेकंड बदलेंगे उसका, विनोद जी चर्चा देखिए, बैकग्राउंड जो है चर्चा भूमि अलग अलग है, चर्चा इस बात को लेकर है, देखते हैं हमारे यहाँ शान की सद्भावना का मंच बनाकर दुर्भावना की बात क्यों की गई, एक सेकंड नमानी जी, नमानी जी एक सेकंड, अश्विनी उपाध्याय जी मेरा सवाल वही है, मैं वही है बार बार वही सवाल पूछ रहा हूं मैं, सद्भावना का मंच लगाकर दुर्भावना फैलाने की कोशिश क्यों हुई? इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30,00,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए विवेक जी, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में देवबंद का क्या स्टैंड है वो आपको बताता हूँ। जो जो स्टैंड देवबंद ने लिया है उसके हिसाब से तो इनके मुंह में संविधान है, मुंह में और सद्भावना है, एक्चुअल में बगल में इनके सरिया है। वो क्यों कह रहा हूं, ये देवबंद 3 तलाक का समर्थन करता है, ये दियो, अभी मेरी PIL चल रही है जिसमें मैंने एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने की बात किया है, 4 शादी बंद होना चाहिए, देवबंद उसका समर्थन कर रहा है, तो ये 3 तलाक का समर्थन करता है, हलाला का समर्थन करता है, अरे बहुविवाह का, अरे शरिया को रिजेक्ट कर दिया है संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या विवेक जी, शरिया एक्ट 1937 का नहीं बना हुआ है, डिवोर्स एक्ट जो है 39 का नहीं बना हुआ है, नमाने जी एक्ट का किया है संविधान ने, एक्ट बदल जाते हैं, रुकिए ना, एक्ट संसद से बनते हैं, संसद से हटाए जाते हैं, अब तो आप संसद में बना हुआ है, तो आप हटाए भी संसद से हटाया, अभी तक तो लागू है वो 1937 इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।